हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। तो हमारे कोचिंग बजरंग स्टडीज में आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर RBSE और CBSE NCERT प्लस UP बोर्ड सभी के यहाँ पर वीडियोज अवेलेबल होंगे। तो सभी से निवेदन है, सभी इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले ही अपनी सब्जेक्ट साइंस पर हम चर्चा करते हैं कि साइंस जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है और इस पर हम अपने बहुत सारे कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम सीख नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, हमें समझने में परेशानी होती है। तो हम इसको आसानी के साथ और अच्छे तरीके से हम इस साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि साइंस क्या होती है। साइंस हमारे इस RBSE जो बोर्ड है उसमें साइंस को 4 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है बायो, उसके बाद आता है केमिस्ट्री, और तीसरा है फिजिक्स, और फोर्थ है एनवायरमेंट। सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन हमें जो मिलते हैं वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हमें इनको अच्छे तरीके से हमारे वीडियो को सबसे लास्ट तक जो भी वीडियो हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करें और उसको सब्सक्राइब करें। तो हमारे यहाँ इस चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो साइंस एंड मैथ और ये यहाँ से आपको अवेलेबल होंगे। बायो फर्स्ट चैप्टर आपका 4 मार्क्स का आता है। कभी कभी जो मार्क्स हैं वो कम भी हो जाते हैं और थोड़ा उनको ग्रोथ भी कर दिया जाता है पेपर के दृष्टिकोण से रखते हुए। फर्स्ट चैप्टर जो कि हम आपको बताएं कि सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है कि उसमें क्या होता है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन हमसे अटेंड किया जाते हैं कर पाते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन सिस्टम, जेनेटिक्स और इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ये आपके बायो के चैप्टर हैं। इसके बाद जो केमिस्ट्री के हम जब शुरुआत केमिस्ट्री की वीडियो हम यहाँ से निकालेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, एटॉमिक थ्योरी, प्रेडिक्टेबल क्लासिफिकेशन और एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। 7 चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है ये, 5 मार्क्स का। बहुत आसानी से हमें यहाँ से मिल भी जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं फेस होती बच्चों को। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, IUPAC है, फ्रियॉन, और बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिक डॉट स्ट्रक्चर्स है। कुछ ही सीमित टॉपिक हैं जिनमें से हमें हर साल की तरह यहाँ से क्वेश्चंस को पुट अप कर लेता है। इसके बाद फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स के तीनों चैप्टर जो कि हैं वो 5-5 मार्क्स के यहाँ से हमको मिलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है लाइट, लाइट में हम दोनों ही उसको पढ़ते हैं। पहला हम लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन भी पढ़ते हैं और कुछ इस पर फेनोमेनन जो भी हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे और उसको आप अच्छे से तरीके से देखें। हमें आशा है कि आप उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके बाद फिजिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का आएगा, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर का रहेगा। बाकी 3 ग्रुप होने के बावजूद और फिर लास्ट में आपका एनवायरमेंट बचता है। एनवायरमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इस तरीके से वो पुटअप करता है कि बच्चा सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, या तो वो गलती करता है या वो समझ नहीं पाता। गाइड के सारे क्वेश्चंस को वो लर्न कर लेता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो हम इस पर भी अपनी वीडियो को यहाँ से डालेंगे। तो उसमें मैन रीजनल रिसोर्स है 12 चैप्टर, और 13 चैप्टर जो है इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट है, और 14 चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और 15 चैप्टर जो कि हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, और 16 चैप्टर है ऑर्गन ऑफ लाइफ इन स्पेस। 18 जो चैप्टर है इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट,
क्या क्या उन्होंने काम किए थे और क्या क्या उनकी बायोग्राफी है, तो उसके बारे में हमें पूछा जाता है, बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है, हमें शॉर्ट में ही जवाब देना है, बिल्कुल नहीं घबराना है किसी भी तरीके से। लास्ट चैप्टर जो बहुत अच्छा चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जेंस कंजर्वेशंस। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है, तो मैं मानता हूँ कि 2-3 सालों से लगातार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं और थोड़ा सा अंतर कर देता है और वही क्वेश्चन बार बार घूम कर करके आ जाते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, 5 नंबर का ये चैप्टर है और आराम से RBSC वाले इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लास्ट बचता है आपका रोड सेफ्टी, तो उसको यहाँ इसके बाद हम चर्चा का करेंगे रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस चैनल में जो बजरंग स्टडीज जो हमारा जो चैनल है, इसमें ऑल ओवर जितनी भी आपके लिए कम्पिटिटिव की हो या आपके किसी भी बोर्ड की वीडियोज हों, तो वो सभी आपको यहाँ से अच्छे तरीके से आपको वीडियोज मिलेंगी और अच्छी तरीके से आप उनको प्रिपेयर करें, और आशा है कि आप लोगों को वो अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी।